मथुरा से बड़ी खबर। डकैती की योजना बनाते एक महिला अभियुक्ता सहित 10 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व में हुई चोरी की 3 बड़ी घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 138 गैस सिलेंडर, 12 बोरी सरसों व 32,300 रुपए किए बरामद। अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 आइसर कैंटर गाड़ी, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस सहित अन्य सामान बरामद किया। मथुरा थाना नौझील पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर डकैती की योजना बनाते एक महिला व 9 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पूर्व में घटित चोरी की 3 घटनाओं का पुलिस ने सफल अनावरण किया है। पहली घटना दिनांक 15 मई को बाजना से शटर तोड़कर 60 बोरी सरसों की चोरी की घटना को दिया था अंजाम। दूसरी घटना 29 मई को मांड रोड स्थित एक परिवार के लोगों को बंदी बनाकर नकदी व जेवरात लूट की घटना को दिया था अंजाम। तीसरी घटना 14-15 जुलाई की रात्रि को गैस गोदाम से 168 सिलेंडर चोरी की घटना को दिया था अंजाम। पकड़े गए अभियुक्तों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। मुख्य रूप से एक गैस एजेंसी से सिलेंडर चोरी हुए थे 168 की संख्या में। इसी तरह से एक गोदाम से सरसों काफी बोरे हुए चोरी हुए थे और भी घटना प्रकाश में आ रही थी। ऐसा लग रहा था एक अभिनव गैंग है जो इसमें काम कर रहा है। इन सभी घटनाओं की घटना से निरीक्षण और वहां से मेरे साथियों को जब आपस में मैच किया गया, उसको स्टडी किया गया तो एक गैंग ट्रेस हुआ जिसके 10 मेंबर्स को आज अरेस्ट करने में सफलता मिली है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। विशेष रूप से ये जो गैंग है ये गाजियाबाद के रहने वाले शकील और बिहार के रहने वाले मुर्दा राजू बिहारी द्वारा गैंग बनाया गया है, जिसमें इन 10 लोगों को शामिल करके इसको टारगेट किया जाता है। घरों को टारगेट करके या गोदाम को टारगेट करके वहां से चोरी की वारदात की जाती थी। शकील जो है वो गाजियाबाद का रहने वाला है, वहां का डिस्ट्रिक्ट अपराधी है। जो सिलेंडर चोरी की नई एजेंसी से घटना हुई थी उसमें से 138 सिलेंडर रिकवर हो गए हैं। जो सरसों की चोरी की घटना हुई थी उसमें भी काफी बोरे बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ एक घटना लूट की रात्रि के समय पर घर में घुसकर हुई थी। उस घटना में भी जो 4 मुलजिम अंदर गए थे उसके पूछताछ में बात सामने आई है कि इसी गैंग द्वारा वो घटना भी बारिश की गई थी। बारिश से भी इस संबंध में बात हुई। जो कैंटर इसमें इस्तेमाल होते थे, जो इतनी भारी संख्या में सिलेंडर और सरसों ले जाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, वो गाड़ियां भी दोनों की दोनों बरामद हो गई हैं। वो गाड़ियों का घटना वाले दिनांक इस क्षेत्र में आना घटना कार्य करने के साक्ष्य मिले थे और जो की कनेक्ट हुए हैं। इस गैंग के 10 मेंबर्स को अरेस्ट कर दिया गया है। मुख्य रूप से शकील और राजू बिहारी अभी भी वांछित है, जिसके लिए टीम लगी हुई है। इस घटना में विशेष रूप से जो चोरी किया गया माल है वो कहाँ बेचा जाता था, किसके माध्यम से बेचा जाता था और कहाँ उसकी खपत होती थी, इस बिंदु पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसे सभी लोग जो ऐसे ब्लैक मार्केट में या दो नंबर में या इस तरह से माल खरीदते थे या बिचौली का काम करते थे उसको भी इसमें ट्रेस किया जा रहा है। जल्द ही ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होगी और इस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं से उम्मीद है कि आगे वाले दिनों में इसमें जो महिला का रोल सामने आया है कि उस जगह की रेकी करना, उसके बारे में जानकारी जुटाना और कहां पे घटना करना आसानी हो सकता है, उस बारे में महिला का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। परिवार की मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।